स्टेटमेंट की टाइमिंग है, इस वक्त क्यों जरूरत महसूस कर रहे हैं वो कि ये स्टेटमेंट दिया जाए? फिर जरदारी साहब को जो डायरेक्टली हिट कर रहे हैं, ये सब लोग पीटीआई जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं वो सब ये कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में इन्वेस्टिगेशन की होती तो शायद किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता था। पीपल्स पार्टी खुद विलिंग क्यों नहीं थी अपने दौर में इन्वेस्टिगेशन के लिए? देखिए भी यही बात है, और गुज़श्ता 10 साल से अगर आप मेरी स्टेटमेंट्स या मेरी जितनी भी आपसे भी कई इंटरेक्शन हुई, वो सारे अमल के अंदर हम एक ही बात कह रहे थे कि जी ये सारा जो अमल है इन्वेस्टिगेशन का, ट्रायल का, पहली अपील और सेकंड अपील, ये हुकूमत के दौरान पूरी होनी चाहिए और ये ऐसी शफाफियत के साथ होनी चाहिए कि जो अवाम उन्नास इसको एक्सेप्ट करें। ये नहीं कि किसी की सेटिस्फेक्शन इंडिविजुअल की करनी हमने, जरदारी साहब या उनके ख़ानदान की करनी है या मेरी करनी है या किसी और की करनी है, बल्कि अवाम उन्नास की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि एक फेयर प्रोसेस के जरिए ये इन्वेस्टिगेशन हुई है जिसके नतीजे में फलां फलां मुलजमान सामने आया और उनका ट्रायल करके हमने उनको सजा दे दी। प्रॉब्लम ये हुआ है कि जी जो सारे अमल के अंदर 5 साल के अंदर एक पीसमील किस्म की इन्वेस्टिगेशन हुई जिसमें बड़े बड़े लंबे लंबे गैप्स आए और आखिर में जब चालान बनते बनते कुछ तकरीबन 9 या 8 या 9 चालान जो है इस केस में फाइल किए गए और वो जब चालान फाइल हुए अल्टीमेटली तो तकरीबन 2011 हो गया था। उसके बाद जो है ना 2013 में हुकूमत खत्म हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि सारे अमल के अंदर जो क्रिटिकल एलिमेंट्स थे जब वो आपने उसको टच नहीं किया तो अब आप किसी को भी नहीं रोक सकते कि जी वो आप पे उंगलियां उठाए या आप पे जो ना वो बात करे, जैसे जनरल मुशर्रफ ने आज बात की। और मैं तो ये समझता हूँ कि बड़ी यानी जैसे ही ये फैसला ATC का आया है तो एकदम जो ना जदाई साहब भी जागे और एकदम जाके उन्होंने जो ना हाई कोर्ट के अंदर एक अपील भी फाइल किया। मुझे नहीं पता उस अपील का क्या लोकस स्टैंड आया है क्या है, क्योंकि अच्छा क्योंकि बुनियादी बात तो ये स्टेट को सवाल पूछना चाहता हूं। जी 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 अच्छा भाई साहब, आप और आपकी बेगम नाहिद साहबा जो हैं वो बेंजी साहबा के बड़े करीब रहे हैं, काफी आपका तल्लुक वास्ता रहा है। पिछले दिनों नाहिद साहबा हमारे प्रोग्राम में आई थी, उनसे मैंने पूछा वो उस विल के बारे में, अब आप भी कुछ बता दिया क्योंकि आप भी उनके बहुत करीब थे। वो विल कहीं एग्जिस्ट करती है या नहीं करती जिसकी बुनियाद के ऊपर जरदारी साहब ने सारी की सारी पार्टी के ऊपर कब्जा कर लिया और तमाम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकाबरीन स्पेशली सिंध से वो उन्होंने उस पर लबैक कहा, इवन पंजाब से एतजाज अहसन और बाकी बड़े बड़े इनके जो लीडरान हैं उन्होंने जरदारी साहब को लबैक कहा। जी देखिए अपना जिन साहब बात यह कि मैंने विल के ऊपर मेरी कंसिस्टेंट एक स्टैंड रही है और वो ये है कि जी ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है और विल हमेशा जो ना एक लीगल अंदाज में एक लीगल डॉक्यूमेंट के जरिए आती है किसी ओथ कमिश्नर, किसी वकील, किसी मजिस्ट्रेट के थ्रू। ये जो विल जो भी था एक पीस ऑफ पेपर, ये कहाँ से आया उसका कोई ओरिजिन पता नहीं है, लेकिन जाहिर है जो चीज़ सामने आई वो पपोर्टेडली तो मोहतरमा की हैंड राइटिंग के हवाले से जो ना यही कहा जा सकता है कि जो उनकी राइटिंग थी, लेकिन हैंड राइटिंग की एक्सपर्टीज़ को जो ना जानने के लिए या उस हैंड राइटिंग की वो कहते हैं कि ऑथेंटिसिटी को जानने के लिए यकीनन ये किसी न किसी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास जानी चाहिए थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जी क्योंकि न इसका कोई ओरिजिन है नहीं है उस प्रॉपर लीगल प्रोसेस के जरिए गई तो अब चीज़ हो गई, लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे आगे जाना चाहूँगा, वो ये कि जी उस सारी विल के नतीजे में जो पार्टी उन्होंने ली उसका हशर क्या किया उन्होंने, उस पार्टी का उन्होंने इस हद तक बढ़ाकर कर दिया कि वो पार्टी जो लाहौर पंजाब के अंदर जिसकी बेस थी जो जहाँ पे जहाँ से ये पार्टी ने जन्म लिया वहाँ पार्टी बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई और जदाई साहब ने सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए ऐसे इकदाम किए जिससे पार्टी का बिल्कुल उन्होंने मलियामेट करके रख दिया।